हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और मेरे दोस्तों, आज मैं काफी 4-5 दिन बाद आपकी कंपटीशन की क्लास लेकर के फिर से आपके स्क्रीन पर हाजिर हूं। तो पुनः फिर से बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एडवांस इंग्लिश क्लासेस में। और तैयार हो जाइए, अपनी अपनी पेन और कॉपी निकाल करके शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी वीडियो देखने के लिए, साथ ही पूरी क्लास का आनंद लेने के लिए, क्योंकि आज आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के प्रपोजिशन चैप्टर में फ्रॉम का यूज। दोस्तों, आज की इस महापंचायत में आप लोग पढ़ेंगे फ्रॉम के बारे में, फ्रॉम का यूज कब कैसे कहां पर करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी वीडियो, पूरी क्लास देखने पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस प्रपोजिशन की महापंचायत में। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करता हूं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें यूज ऑफ फ्रॉम, जिसका हिंदी है से। फ्रॉम माने से। सबसे पहला नियम देख लें आप, फ्रॉम का यूज कारण को बताने के लिए किया जाता है। नोट करें अभी, नोट करें अभी, फ्रॉम का यूज कारण बताने के लिए किया जाता है, रीजन। इसके लिए मैंने एग्जांपल मेंशन किए हैं, आप जल्दी से एग्जांपल नोट कर लें, जल्दी से एग्जाम्पल नोट कर लें, ज्यादा समय व्यर्थ ना करें। फर्स्ट एग्जाम्पल, सीमा इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। सीमा बुखार से पीड़ित है, सीमा बुखार से पीड़ित है, सीमा बीमार है, जिसका कारण है फीवर, बुखार। सीमा के बीमार होने का कारण दोस्तों फीवर। ही डाइड, वह मर गया फ्रॉम बम, घाव से मर गया, मरने का कारण घाव, घाव से मर गया। समोखन डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग। आजकल दोस्तों लोग इतनी ज्यादा पीने लगे हैं कि कई लोग उसे मर भी जाते हैं, इतनी ज्यादा पीने लगे हैं कि कई लोग उससे मर भी जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, समोखन डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, समोखन ओवर ड्रिंकिंग से मर गया, जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ली उसने, मर गया। कई लोग मरते हैं, तो यहां पर मरने का कारण ओवर ड्रिंकिंग, ज्यादा पीना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी डाइड वन, मर गई फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से। आजकल लोग ज्यादा भी खाने लगे हैं, कई लोग दोस्त यार की शादी में जाती है, कहीं रिश्तेदार की शादी में बहुत जाती है, तो फ्री बोर्ड का खाने को मिलता तो लोग ठूस ठूस के भरते रहते। अब इतना भर लेते कि कई लोग डेथ का शिकार भी हो जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। एग्जाम्पल, सी डाइड फ्रॉम ओवरईटिंग, ज्यादा खाने से मर गई। तो ये रहे दोस्तों पहले रूल के लिए एग्जाम्पल जो आपने नोट किया। एक बार फिर से पूरी स्क्रीन को जूम करके देखें आप, सारे एग्जाम्पल नोट करें। सीमा इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सीमा बुखार से पीड़ित है, ही डाइड फ्रॉम बाम, घाव से मर गया, समोखन डाइड फ्रॉम ओवरईटिंग, समोखन ओवरईटिंग से मर गया, सॉरी ओवर ड्रिंकिंग से मर गया समोखन। सी डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, वह ज्यादा खाने से मर गई, जरूरत से ज्यादा खूस लिया उसने इसलिए मर गई। ये एग्जाम्पल थे पहले रूल के लिए दोस्तों। कारण के लिए यहां पर यूज कर रहे फ्रॉम का, से के अर्थ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ जाते, नेक्स्ट रूल के लिए एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल नोट करें, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, एक निश्चित समय।
एक निश्चित समय के लिए, चाहे वो प्रेजेंट में बताना हो, पास्ट या फ्यूचर में बताना हो, तीनों टेंस में से किसी भी टेंस में बताना हो, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होना चाहिए। से के अर्थ में फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, एग्जाम्पल नोट करें और एग्जाम्पल्स को देखें आप। आई वर्क फ्रॉम 10 AM to 5 PM एवरी डे। मैं प्रत्येक दिन काम करता हूं 10 बजे से 5 बजे तक। यहां पर दोस्तों एक और अगला प्रपोजिशन भी है तक के अर्थ में टू, इसे भी देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम की, केवल फ्रॉम की बात कर रहा हूं केवल से के अर्थ में। आई वर्क फ्रॉम 10 AM to 5 PM एवरी डे। मैं प्रत्येक दिन 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूं। आई गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मैं स्कूल जाता हूं कब से, मंडे से सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक। मैं स्कूल जाता हूं सोमवार से शनिवार तक। आई सी विल टीच द स्टूडेंट। वह बच्चों को पढ़ाएगी। सी विल टीच द स्टूडेंट्स। वह बच्चों को पढ़ाएगी फ्रॉम 10 AM 10 बजे से। वह 10 बजे से बच्चों को पढ़ाएगी। मैं 10 बजे से बच्चों को पढ़ाऊंगा। आई विल टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 AM 10 बजे से 12 बजे से, जितने बजे से पढ़ाऊंगा। इट्स द पॉइंट ऑफ टाइम। या मैं कल से पढ़ाऊंगा, वह इतने बजे से आएगा। आई लव हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैं उसे अपने बचपन से चाहता था। आई लव, ये पास्ट के लिए देखिए बता दिया पास्ट में। आई लव देखिए प्रेजेंट के लिए भी बताया, पास्ट के लिए भी बताया और फ्यूचर के लिए भी। यहां प्रेजेंट के लिए है एग्जाम्पल, फ्यूचर और पास्ट। आई लव हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैं उसे अपने बचपन से चाहता था, पास्ट में बता दिया आप टाइम को, लेकिन निश्चित समय में पॉइंट ऑफ टाइम है बचपन से, फ्रॉम माई चाइल्डहुड। आई अटेंडेड द मीटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मैंने मीटिंग अटेंड की सुबह से शाम तक। मीटिंग कब अटेंड की? आई अटेंडेड द मीटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सुबह से शाम तक मैंने मीटिंग अटेंड की। ये रहा दोस्तों दूसरा नियम। तीसरा ओरिजन, स्रोत। स्रोत के लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है दोस्तों से के अर्थ में। स्रोत आप एग्जाम्पल देख लें, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र। यह स्रोत है। एक कहानी कहां से ली गई है? पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र से कहानी ली गई है। एक स्रोत है कहानी का, कहां से ली गई है? पंचतंत्र से। स्रोत के लिए से के अर्थ में फ्रॉम का यूज किया जाता है। मित्रों दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। ये लाइन्स ली गई है फ्रॉम द रामायण। ये कहानी कहां से ली गई है? ये लाइन्स कहां से ली गई है? ये लाइन, इन लाइनों का स्रोत क्या था? रामायण, फ्रॉम द रामायण। ये रहा दोस्तों तीसरा नियम। तीसरा नियम समझ गए होंगे आप। इस प्रपोजिशन की महापंचायत में मित्रों अगले नियम की ओर बढ़ जाता हूं। अब मैं स्क्रीन यहां बोर्ड पर जितने भी स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल लिखे हम सबको रख कर रहा हूं। चाहे तो आप एक बार और जूम करके आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं रफ कर रहा हूं इन्हें, क्योंकि मैं नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ रहा हूं। मैं कहां बढ़ रहा हूं? नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ रहा हूं। अब मैं अगला रूल बताऊंगा प्रपोजिशन की इस महापंचायत में। मित्रों कहीं नहीं जाना आप लोगों को, बने रहे इस क्लास में। फोर नंबर का रूल रहेगा, रूल नंबर फोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इस फ्रॉम का फोर नंबर का रूल बताऊंगा मैं, कहीं जाना नहीं आपको। पूरे एग्जाम्पल नोट करें अलगाव के लिए। देखिए फ्रॉम का यूज अलगाव के लिए किया जाता है दोस्तों। अलगाव मतलब जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी जगह से अलग होते हैं,
किसी जगह से अलग होते हैं। मित्रों जब कोई नाउन किसी भी जगह से अलग होती है, अर्थात जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी जगह से अलग होते हैं, वहां से के अर्थ में फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। नोट कर लिया आप लोगों ने फिर से एक बार, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी जगह से अलग होते हैं, अलगाव अलग होना, तो वहां पर फ्रॉम का यूज किया जाता है से के अर्थ में। जैसे कि वह दिल्ली से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से अलग हो रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम भोपाल, वह भोपाल से आ रहा है, भोपाल से अलग हो रहा है। चलिए स्क्रीन पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ, और एग्जांपल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। जैसे मैं लिखा द लीव्स, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। देखिए मित्रों, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पत्तियां पेड़ से अलग हो रही हैं, पत्तियां पेड़ से गिर रही हैं। पत्तियां कहां से गिर रही हैं? पेड़ से गिर रही हैं, पत्तियां अलग हो रही हैं, इसलिए फ्रॉम का यूज कर दिया मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप, ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आ रहा है, मुंबई से ये अलग हो रहा है, मुंबई से अलग हो रहा है, मुंबई से आ रहा है अलगाव के लिए। और एग्जांपल देख लें, तमाम लाखों करोड़ों एग्जांपल आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल यदि आपके दिमाग में स्टोर हो गया अच्छी तरह से, आपको समझ में आ गया इसकी जड़ क्या है, कई एग्जांपल आप बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे मैंने कहा He is plucking flowers. He is plucking flowers from the garden. देखिए मित्रों, He is plucking flowers from the garden. बगीचे से, बगीचे से फूल तोड़ रहा है। अब फूल अलग हो रहे हैं बगीचे से, दोस्तों की नहीं। फूलों का अलग होना अलगाव के लिए, फ्रॉम द गार्डन, फूल अलग हो रहे हैं यहां पर। समझ गया दोस्त, समझ गए आप लोग दोस्तों? इस प्रकार से करोड़ों एग्जाम्पल सोचिए, बनाइए और समझिए। तीसरा नियम समझ गया होगा, समझ गया होंगे आप लोग मित्रों, मुझे आशा है। अब मैं अगला रूल्स इसको मैं रफ कर देता हूं, इसे भी आप नोट कर लें और इस टाइप के और एग्जांपल भी अपनी अपनी कॉपी में बनाएं। जूम करके देखें यदि आपको नहीं दिख रहा हूं, इस महापंचायत में नंबर पांचवा जो रूल है फॉर्म के लिए उसे भी देख लें। पांचवा है, नोट कर लें यहां पर, जब हम किसी वस्तु से, जब हम किसी वस्तु से अलग गुण वाली दूसरी वस्तु बनाते हैं, जब हम किसी वस्तु से अलग गुण वाली दूसरी वस्तु तैयार करते हैं, तो हम से के अर्थ में फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। नोट हो गया, अभी नहीं हुआ, चलिए फिर से सुन लीजिए। जब हम किसी वस्तु से अलग गुण वाली दूसरी वस्तु बनाते हैं, तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं से के अर्थ में। चलिए एग्जाम्पल लिख लें, जैसे मैंने कहा कि फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, फर्नीचर लकड़ी से बनता है, फर्नीचर लकड़ी से बनता है, फर्नीचर लकड़ी से बनाया गया, फर्नीचर लकड़ी से बनाया गया, पर अब फ्रॉम आ गया। चलिए मित्रों, फ्रॉम आ गया, यहां पे क्या हुआ, लकड़ी से हमने फर्नीचर बनाने की बात कही, इस फर्नीचर का टेबल कुर्सी इनका गुण अलग है, काम अलग है, लेकिन बना किससे, लकड़ी से। तो
तो हमने कहा यही आपको लिखाया था कि जब एक वस्तु से अलग गुण वाली दूसरी वस्तु हम तैयार करते हैं तो से के अर्थ में फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। और एग्जांपल देखना है जैसे दोस्तों, जैसे सी यू आर डी कार्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है। तो दूध से दही बनता है यानी कि दूध एक वस्तु है जिससे अलग गुण वाली दूसरी वस्तु तैयार हुई, वो क्या हुई, दही कर्ड। तो यहां पर आपने फॉर्म का यूज किया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखना है जैसे कि आइस इज मेड फ्रॉम वाटर, यहां पर देखिए पानी से आइसक्रीम बनी, पानी से आइसक्रीम बने। नोट करें एक एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल ये नोट करें मित्रों, अभी नोट करें और जूम करें, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। चलिए बहुत गर्मी है, नोट कर लिए एग्जाम्पल, आइस इज मेड फ्रॉम वाटर, वर्क पानी से बनती है। तो ये रहा दोस्तों फ्रॉम का लास्ट रूल कि एक वस्तु से अलग गुण वाली जब दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं से के अर्थ में। ये रहे एग्जांपल जिन्हें आप नोट करो, और इसी तरीके से और करोड़ों सेंटेंस आप लोग बनाने, समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों तैयार रहे इस क्लास के बाद अगली क्लास के लिए। मित्रों एक और बात है, यदि आप लोग मेरे साथ यदि नए हैं, आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करना ना भूल जाइएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है और मुझे इंग्लिश सिखाना है। इंग्लिश ग्रामर में आग लगा दीजिए, पूरी भारत में इंग्लिश सीख जाएंगे बच्चे, सभी जगह फैला दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, पूरे भारत में फैला दीजिए और इंग्लिश ग्रामर को तैयार कर लीजिए, जड़ से सीख डालिए। मित्रों एक बार फिर बहुत स्वागत आप सभी लोगों का इस प्रपोजिशन के महापंचायत में। आज की महापंचायत खत्म हुई और अगली महापंचायत में फिर हाजिर होता हूं, फिर से वीडियो लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।